हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो आज है सात मार्च 2022 और हम लोग क्या कर रहे हैं मॉर्निंग के पांच बजे की पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है करंट अफेयर से ठीक है, है? जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस एसएससी बैंकिंग रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर आता है तो आपका स्वागत है तो आइए देखते हैं क्या है आज मॉर्निंग के पांच बजे के पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है तयम और कलियाटम एक क्या है आ, कल्चरल डांस है जो बताना है आपको किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में परफॉर्म किया जाता है तो इसका आंसर है केरला जी हाँ दोस्तों केरला में यह 800 साल पुराना एक तरह का क्या है कल्चरल डांस है जो केरला में मनाया जाता है ठीक है इस तरह के प्रोग्राम बनाने से क्या फायदा होता है कि हम इसमें क्या माना जाता है फोक डांस और आर्ट को एक तरह से डिस्प्ले किया जाता है जो एशियन ट्राइबल कल्चर से लिया गया है तो जो एशियन ट्राइबल कल्चर जो हम लोग के शुरू से चलते आया है उसको प्रेजेंट करना लोगों के बीच मतलब लोग के बीच में उसके बारे में अवेयर करना जागरूकता फैलाना कि हाँ यह कल्चर हमारा है इसे प्रस्तुत करना ठीक है ऐसे कल्चर का फायदा बहुत सारा होता है एक तो आप अवेयर होते हैं अपने कल्चर्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी बात ऐसे कल्चर से इकोनॉमी फायदा भी होता है लोग तो जगह जगह से देखने आते हैं तो इससे इकोनॉमिकली बेनिफिट भी होती है तो किसी भी चीज का बहुत सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी निकल के आता है ठीक है जो आपको कॉपी में मेंशन करना है उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपको बताना है कि जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम का इस बार का ऑब्जेक्टिव क्या है ठीक है तो इसका बार का ऑब्जेक्टिव है एजुकेट चिल्ड्रेन ऑन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोग्राम ठीक है तो इस ओकेजन में जो जन औषधि दिवस चल रहा है जन औषधि दिवस कब से मनाते हैं एक मार्च से लेकर सात मार्च तक लिए बनाते हैं हम लोग ठीक है और इसका जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं ये लगभग हम लोग कितने स्टेट में बना रहे हैं स्टेट्स में सॉरी सेवेंटी फाइव लोकेशन पे इसको मना रहे हैं कंट्री के अंदर में ठीक है इसका एम क्या है इंकरेज करना बाल मित्रा को ठीक है किसके लिए जन औषधि के लिए और एजुकेट करना अबाउट देयर बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोग्राम परियोजना तो क्या है नहीं है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक क्लास पूरी ली हुई है आई बटन के पास देखो लिंक मिल रहा होगा देख लेना हरबड़ाओ मत लास्ट में भी लिंक दे दूंगा ठीक है देखना पहले क्वेश्चन कर लो पांचों फिर लास्ट में उसमें जाकर पूरी योजना सीरीज का लिंक दे दूंगा और पर्टिकुलरली उस वीडियो की भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी तो देख लेना अभी हरबड़ा मत ठीक है तो याद रखना सारा जो जो बच्चे नहीं जानते हैं ये प्रधानमंत्री जन औषधि क्या है उसको मैं पूरे अच्छे तरीके से कवर किया है चलिए आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि एजुकेट चिल्ड्रन ऑन पीएम बीजेपी ठीक है अगला क्वेश्चन है कि किस यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या किया है एक तरह का लॉन्च किया है क्या स्वदेश दर्शन अवार्ड जी हां स्वदेश दर्शन अवार्ड किसने ये किया है उसको लॉन्च किया है तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया है ठीक है आ, इसका इस, एक तरह स्कीम लॉन्च किया गया है टूरिज्म को रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करेगा से ज्यादा जो टूरिज्म प्लेसेस है 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 उसको ठीक कि हाँ, है कि अब होता ना एक तरह का इं, इंट्रा क्रिएट करना कहीं पे कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जू का अब जू के बीच में कौन अपने जू को ज्यादा सुंदर बना सकता है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में कॉम्पिटिशन करना जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता है तो उससे दो हमेशा बहुत सारे फायदा होता है कैसे फायदा होता है जैसे ऐसे कॉम्पिटिशन से आप उभर के सामने आते हो तो इकोनॉमिकली बेनिफिट होती है साथ ही साथ कॉम्पिटिशन से आप अपने आपको हमेशा डेवलप करते हो ठीक है अगर कॉम्पिटिशन में ये सोचोगे कि हम खुद में बेस्ट हैं तो ये बहुत बड़ा मिथ है जी हाँ मैं बता रहा हूं भले तुम इसके लिए क्रिटिसाइज करो कि सर आप गलत बोल रहे हैं बहुत लगता है बत। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो कंपटीशन का मतलब ही होता है दूसरों से कॉम्पिट करना खुद से कंपटीशन कभी नहीं होता खुद से कॉम्पिटिशन में भी हो सकता है आपके सोच से हो सकता है आप किसी सोच में पड़े हुए जो सोच में भी गलत हो उससे आप लड़ सकते हो लेकिन अगर बात नॉलेज प्रेजेंटेशन की हो या फिर किसी बारे में, किसी चीज के के बारे बारे में में जानकारी तो उस दौरान कंपटीशन आपका दूसरे से ही माना जाएगा ना कि खुद से खुद का कंपटीशन सिर्फ सोच के माध्यम से हो सकता है अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी चीज में अच्छा नहीं कर सकता तो इसमें कॉम्पिटिशन आपका खुद से कि आपके मन को हराना है कि नहीं मैं कर सकता हूं बेहतर लेकिन अगर मैं कितना बेहतर कर सकता हूं चीज देखने के लिए आपको दूसरे पे ही देखना पड़ेगा कॉम्पिटिशन के माध्यम से चलिए अगर समझ में आ गया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना आगे देखो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया चौथा क्वेश्चन जो जैमपोर जी हान ना थोड़ा सा नाम ये जो है ना यूक्रेनी भाषा है तो बोले में, में, में मेरे को दिक्कत हो रहा आप देख लेना इसका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको न्यूज में रिसेंटली देखा गया है आपको बताना ना पे लोकेटेड है सॉरी 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 यूक्रेन यूक्रेन में sorry, sorry. <laughs> तो में लोकेटेड लोकेटेड मैंने आंसर ही दे दिया आपको तो है है ठीक ये क्या करता है ये बिजली एक तरह का बहुत ही मेजर सप्लायर है इलेक्ट्रिसिटी का यूक्रेन के अंदर में ये 40 से लेके यानी 40 से लेके 42 बिलियन तक किलोवाट की बिजली पैदा करता है ठीक है जो वन फिफ्थ एवरेज एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है किसका यूक्रेन का तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है ठीक है यूक्रेन का जो बिजली पैदा करता है ठीक है अगला और लास्ट क्वेश्चन यह है कि एक रिपोर्ट के माध्यम से यह बताना है कि जो यूट्यूब क्रिएटर है जैसे मेरे जैसे क्रिएटर या फिर जितने भी अच्छे अच्छे क्रिएटर है जिनको आप जानते हैं चाहे वेदर वो एजुकेशन में हो कॉमेडी में हो शोस में हो ब्लॉगिंग में हो जो भी हो ठीक है उनका कंट्रीब्यूशन अगर उनकी कोई इनकम आ रही है तो उनकी इनकम से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 2020 की डेटा की बात हो रही है तो वो कितना है तो वो है 6800 करोड़ के आसपास का जो बहुत ही ज्यादा है इंडिया के अंदर में जीडीपी के अंदर में साथ ही साथ ये सिक्स लैक्स एटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फुल टाइम इक्वेलेंट जॉब्स प्रोवाइड करते हैं इंडिया के अंदर में 2020 के अंदर में तो एक तरह का ये क्या है ये एक तरह का? जॉब है अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज ए टीचर तो मैं मेरी भी क्या है जॉब है ये आपको एजुकेट करना आपको आगे बढ़ाना आपके लाइफ में तो ऐसे में क्या होता है जीडीपी को फायदा होता है इसमें आपका भी फायदा होता है कि आपको नॉलेज मिलती है नॉलेज मिल रही है तो साथ ही साथ नॉलेज तो खुद तक नहीं रखना चाहिए शेयर करो ठीक है <laughs> चलो आज के मॉर्निंग के पांच बजे के पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुए योजना सीरीज चल रही है जैसा कि प्रॉमिस के लिंक ऊपर में दिख रहा होगा जाके देखो ठीक है जन औषधि भी इसी लिस्ट में है ठीक है अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना कंजूसी मत करना नहीं तो पाप लगेगा बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए दोस्तों तक शेयर करो ठीक है तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो जय हिंद जय भारत